अरे सोमनाथ मंदिर की बात उठाने वालों को यह जानना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग जो है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, भगवान स्वयं प्रकट हुए थे वहां, किसी ने जाके प्रतिष्ठा नहीं की थी। सोमनाथ में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है आप बताइए, जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग किसी ने प्रतिष्ठा की है? वो तो स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयंभू है, वहां किसने प्रतिष्ठा की है? इसलिए सोमनाथ का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, वहां पहले से भगवान विराजमान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वंदे बिहार नाम से आप सर्च कीजिएगा, इंस्टा पर भी आ जाएंगे और ट्विटर पर भी, आपको सोशल मीडिया एक्स पर भी हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज सवेरे सवेरे जब हम न्यूज़ देख रहे थे उसमें एक खबर आई कि नेशनल मीडिया के पत्रकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल कर रहे थे कि क्या प्राण प्रतिष्ठा का जो वहाँ पर आयोजन अयोध्या में हो रहा था उसके बाद अगर उसका मंडप यानी कि ऊपर भाग जो बनाया जाएगा तो क्या यह सही होगा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर में भी तो ऐसा ही। इसके तुरंत बाद शंकराचार्य का भी जवाब आ गया क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया था, वहां पर खुद से वह जो लिंग है खुद से निकल कर आया था, यानी कि वहां पर वो खुद, जैसे आप सब एक तरह से समझिए कि जैसे जब शंकर भगवान का लिंग लेकर के रावण जब जा रहा था तो वहां पर रख दिया, वहीं पर देखिए अभी झारखंड में यानी कि जो बाबा धाम जो नगरी है, बाबा की नगरी है उसको बोला जाता है, वैसे ही वो शंकराचार्य जी ने कहा कि वो तो लिंग खुद प्रकट हुआ है, उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। तो आप किनके बात से सहमत हैं? जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा कोई ये नहीं है कि अधूरे मंदिर में जबकि पूरा निर्माण ही है उसके बाद वही अगर कारीगर उसके ऊपर में चढ़ेंगे तो क्या उनकी अवहेलना नहीं होगी? गर्भगृह में जो जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा आयोजन, भव्य आयोजन किया जा रहा है 22 जनवरी को, उसके बाद अगर हो जाने के बाद उसके ऊपर जाकर जो मंडप बनाया जाएगा, ये भी सवाल किया गया कि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर ये तो नहीं किया जा रहा है। उस पर भी योगी जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कांग्रेस ही पहले 1989 में अपना अयोध्या से ही चुनाव की यात्रा शुरू किए थे तो ये कौन सी बड़ी बात है ऐसे कहे। लेकिन जो सवाल है वह सवाल एक जायज है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा जो वहां पर किया जा रहा है अयोध्या में, उसकी तुलना जो योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है सोमनाथ के मंदिर से जहां पर, तो क्या यह सही है? या शंकराचार्य जी ने जैसा कि कहा सोमनाथ मंदिर में लिंग तो प्रकट हुआ है, वहां पर हम उनकी कहां प्राण प्रतिष्ठा की गई है, वहां तो खुद लिंग प्रकट हुआ है और जिसको हम स्थापित करते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, ना कि जो खुद से प्रकट हुआ हो। आप लोग की क्या राय है इस पर, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि या तो इसमें से कोई एक तो सही है, या तो धर्म के प्रचारक शंकराचार्य जी गलत हो सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ जी गलत हो सकते हैं। अब दोनों में विरोधाभास तो दिख रहा है ये बातों से ही। तो आप क्या लगता है आपको, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर हमारे सोशल मीडिया पर ये सारी चीज आप देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, धन्यवाद। अरे सोमनाथ मंदिर की बात उठाने वालों को यह जानना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग जो है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, भगवान स्वयं प्रकट हुए थे वहां, किसी ने जाके प्रतिष्ठा नहीं की थी। सोमनाथ में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है आप बताइए, जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग किसी ने प्रतिष्ठा की है? वो तो स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयंभू है, वहां किसने प्रतिष्ठा की है? इसलिए सोमनाथ का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, वहां पहले से भगवान विराजमान है।